नीतीश कुमार सिर्फ जमीन तो उपलब्ध कराए, जमीन ही उपलब्ध नहीं कराते। अभी मात्र 2 एयरपोर्ट चल रहे, नीतीश कुमार जी जमीन उपलब्ध कराए, बिहार में 10 एयरपोर्ट बनेंगे और बिहार के विकास को आगे ले जाने का। सम्राट जी, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा शासन के, केंद्रीय शासन के, यानी कि मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हो गए हैं और तमाम जो हैं मीडिया में अब 9 साल पूरे होने के प्रचार आ रहे हैं कि 9 साल में मोदी जी ने क्या क्या कुछ किया है, मोदी जी की सरकार ने क्या क्या कुछ किया है। कल बिहार प्रदेश भाजपा ने भी होटल चाणक्या में एक कार्यक्रम किया जिसमें जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह चौहान मेहमान के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने कहा, मोदी जी के कार्यों के बारे में सारी जानकारी दी और सोशल मीडिया के चैनलों को कहा कि कृपया आप मेरी बातों को, मोदी जी की जो कार्यशैली है, जो काम उन्होंने किया है, इन सभी चीजों को आप आम जन जन तक, गांवों तक पहुंचाइए। यानी कि भाजपा को समझ में आ गया कि आज के डेट में सोशल मीडिया कितना मजबूत है। लेकिन जब सम्राट चौधरी से हमने पूछा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है बिहार के विकास के लिए, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ जमीन उपलब्ध करा दे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो हम बिहार में जो है वो गंगा बहा देंगे विकास की। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनाते हैं आप। सम्राट जी, नरेंद्र मोदी के तो पहले पूछना चाहिए जिस कांग्रेस के साथ है, महंगाई रेट कांग्रेस पार्टी में 11% था और हम लोग के राज्य में, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में तो 4% है। तो कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहिए कि आपके राज्य में इतना महंगाई क्यों। उन उपलब्धि में बिहार के लिए, बिहार में क्या मिला, क्या जो उपलब्धि, जो बिहार को क्या मिला पूरी उपलब्धि में, कह रहा हूँ बिहार में गांधी सेतु का पहला, गांधी सेतु पे चले जाइए, लगभग 2000 करोड़ से अधिक का ब्रिज वो है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, ये कोई नीतीश कुमार नहीं बनाया। पटना से लेकर बख्तियारपुर का सड़क देख ली, भागलपुर में पुल बन रहे हैं, मोकामा में दो दो ब्रिज बन रहे हैं और अटल जी ने शुरुआत किया था सोनपुर ब्रिज, वो भी पूरा करवाया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। मुंगेर में ब्रिज पूरा करवाया, बरौनी में एनटीपीसी में लगभग 24,000 करोड़ का काम चल रहा है, बरौनी में खाद का लगभग 8,000 करोड़ का योजना चल रहा है। बिहार में नरेंद्र मोदी जी तो दिल खोल के देना चाहते हैं, नीतीश कुमार सिर्फ जमीन तो उपलब्ध कराए, जमीन ही उपलब्ध नहीं कराते। अभी मात्र 2 एयरपोर्ट चल रहे, नीतीश कुमार जी जमीन उपलब्ध कराए, बिहार में 10 एयरपोर्ट बनेंगे और बिहार के विकास को आगे ले जाने का। सम्राट जी, नीतीश नहीं, सम्राट जी, हम इसीलिए नहीं गए जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था, इसीलिए नहीं गए क्योंकि अगर हम जाते तो फिर वहाँ पे हम मतलब जो राज्य का दर्जा है वो मांगते। उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि मैं इसलिए नहीं गया कि पंडित नेहरू जी का जयंती था और मेरे को उनके मूर्ति के सामने मल्यार्पण करना था, उनको तो कांग्रेस को दिखाना था, इसलिए वो नहीं गए। वो जाना चाहिए, मेरा आग्रह है, 100 पॉइंट्स पर वार्ता थी और वो जानते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिले, झुंझुना दिखाते हैं। बिहार की जनता समझ चुकी है, नीतीश बाबू 18 साल से आप बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, अब कितना दिन, अब तो थक गए हो, बुजुर्ग आदमी हो, घर में जाके आराम कीजिए। लेकिन अब तो नहीं सम्राट जी, अब तो कहते हैं कि आप लोग पैसा ही नहीं देते हैं कि वो विकास करें बिहार का। अब आपको जानकारी दे देता हूँ कि बिहार का बजट 2,61,000 करोड़ है और 2,61,000 करोड़ में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 76% किसी वित्त मंत्री को मेरे साथ बैठा दीजिए, 76% भारत सरकार पैसा देती है, मात्र 24% का रेवेन्यू बिहार का अपना है, वो भी इस बार 35,000 करोड़ हो गया, ये लोगों के लिए बहुत बड़ा सूचना हुआ। तो 2,61,000 करोड़ में यदि आप मात्र 35,000 करोड़ रुपया रेवेन्यू उपलब्ध करा रहे हो तो आप बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी का बड़ा रोल है, आपका रोल तो बहुत छोटा है। आपने सुना, ये थे सम्राट चौधरी,
कहा कि पहले पूछ लीजिए कि बजट कितना है और 34,000 करोड़ रुपया भी देने में असमर्थ हैं तो हम क्या कर सकते हैं। 2,62,000 या 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के बजट हैं बिहार सरकार के, उसमें मात्र इनको अपना हिस्सा 34 से 35 हजार करोड़ देना पड़ता है, ये भी ये नहीं दे पाते हैं, तो बाद बाकी जो विकास है वो कहाँ से आता है पैसा। बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है कल सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से नीतीश कुमार पर। अब देखना है कि नीतीश कुमार के पार्टी के लोग इसका जवाब सम्राट चौधरी को किस रूप में देते हैं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।